प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए हमीरपुर नगर परिषद द्वारा लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक किया जा रहा है और हर जगह साफ सफाई की जा रही है। नगर परिषद को इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी का सहयोग मिल रहा है। वहीं पहाड़ी लोक गायक अशोक राणा भी अपनी सुरीली आवाज से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इसी कड़ी में अशोक राणा ने एक पहाड़ी गाना भी गाया है जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और आजकल सोशल मीडिया पर वो वायरल हो रहा है। इसी के चलते नगर परिषद हमीरपुर द्वारा अशोक राणा को सम्मानित भी किया गया। चलन तू सफाया करिए, चलन तू सफाया करिए, चलन तू सफाया करिए, चलन तू सफाया करिए। असा किसी ते पिछे अज कजो रहना, असा मीरपुर साफ बनाई लेना। दिसरी चाबर मंग लाया, शिल्पी बेकटा ने समझाया। दिसरी चाबर मंग लाया, शिल्पी बेकटा ने समझाया। परिषद ने सिरे ते चढ़ाई लेना, परिषद ने सिरे ते चढ़ाई लेना, असा मीरपुर साफ बनाई लेना। चलन तू सफाया करिए, चलन तू सफाया करिए, चलन तू सफाया करिए, चलन तू सफाया करिए। असा किसी ते पिछे अज कजो रहना, असा मीरपुर साफ बनाई लेना। हर बार डाते रैलियां कराइया, हर बार डाते रैलियां कराइया, हर बार डाते रैलियां कराइया, हर बार डाते रैलियां कराइया। असा भाषणा दे बिच समझाई लेना, असा मीरपुर साफ बनाई लेना, असा भाषणा दे बिच समझाई लेना, असा मीरपुर साफ बनाई लेना। चलन तू सफाया करिए, चलन तू सफाया करिए, चलन तू सफाया करिए, चलन तू सफाया करिए। असा किसी ते पिछे अज कजो रहना, असा मीरपुर साफ बनाई लेना। नगर परिषद अध्यक्षा सुलोचना देवी ने बताया कि स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए अशोक राणा ने अपनी सुरीली आवाज से लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया, जिसके चलते नगर परिषद हमीरपुर ने राणा को सम्मानित किया है। उन्होंने बताया कि इस अभियान को सफल बनाने में इनका पूर्ण सहयोग रहा। आज हमीरपुर में अशोक राणा जी है, इन्होंने 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक सफाई अभियान चला हुआ था, तो उसमें इन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया नगर परिषद के साथ, और एक लोकल गायक भी है ये, तो लोकल गायक में इन्होंने गाना भी गाया सफाई अभियान के अनुसार, तो उनको आज नगर परिषद ने सम्मानित किया है। वही पहाड़ी गायक अशोक राणा ने बताया कि स्वच्छता अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए गाना बनाया है और लोगों को गाने के माध्यम से जागरूक किया है। उन्होंने बताया कि वह बचपन से ही गाना गाने का शौक रखते हैं और अब तक बहुत से कार्यक्रमों में अपनी आवाज का जादू भी खेल चुके हैं। स्वच्छता अभियान के बारे में, उसके बारे में सम्मान सीखिए। चलन तू सफाया करिए, चलन तू सफाया करिए, चलन तू सफाया करिए, चलन तू सफाया करिए। असा किसी ते पिछे अज कजो रहना, असा किसी ते पिछे अज कजो रहना, असा मीरपुर साफ बनाई लेना। हाँ जी, पंजाब के पंजाबी टच है ना हिमाचल हमीरपुर, तो उसमें पंजाबी भी गाते हैं जी। मैं छोटे छोटे प्रोग्रामों में जाता हूँ, वहाँ भी गाता हूँ, लिखता भी खुद हूँ, और उसके अलावा लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरी आवाज़ को पसंद करते हैं। धार्मिक प्रोग्राम में मैं भेंटे भी गाता हूँ, लिखता हूँ, और साथ में कंपोज भी, म्यूजिक भी मैं कंपोज खुद ही करता हूँ। पंजाबी भेंटे भी गाता हूँ और गीत भी गाता हूँ। जे तेरा ओ कुछ नहीं लगता तू की ओ तो लेना, जे तेरा कुछ लगता ए ते तैनू दसना पैना नहीं, ओ तेरा की लगता, की लगदा जड़ा तकिया नजर नहीं आउंदा,
वो तेरा की लगदा जेड़ा तकिया नजर नहीं आंदा। बचपन से वैसे मेरे को शौक था गाने और लिखने का, लेकिन परिवार की परिस्थिति अच्छी ना होने के कारण मुझे ये थोड़ा इसमें विराम लगाना पड़ा और मुझे पढ़ाई की तरफ ध्यान देना पड़ा। फिर मैंने MSc इन मैथ्स की, फिर ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैंने ये सारा प्रोग्राम जो है अपने टाइम आने पर उसको शुरू कर दिया। और 1980 रिलीज हुई थी MCCI कंपनी से, जिसका नाम था देवा आई है मंदिर में। ये मुझे भगवान का ही समझो, बाकी मुझे फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं है इसका। मैंने पहले ही बताया कि मेरी फैमिली जो थी वो इतनी सॉलिड नहीं थी जो मेरे को मेरी इस चॉइस को पूरी कर सके, मेरे शौक को पूरा कर सके। हाँ जी, उसमें तो ब्लड रिलेशन तो होता ही है थोड़ा बहुत। मेरा लड़का जो है वो थोड़ा लिखता भी और थोड़ा गाता भी छोटा है, लेकिन वो गाने का शौक रखता है। आजकल तो मैं बहुत जागरण तो मैं बहुत ज़्यादा कर चुका हूँ जिनकी गिनती नहीं है। बाकी ये भी तकरीबन को 1000 प्रोग्राम में कर चुका हूँ। फ्यूचर में मैं तो आप समझते हैं सभी कि हर आदमी का एक प्लेटफॉर्म आगे ऊंचा उठने का ही होता है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी पर डिपेंड करता है कहाँ तक पहुँचाता है। मैं तो वैसे तो हॉलीवुड बॉलीवुड के बारे में जान जाता हूँ, लेकिन वो तो आप ऊपर वाले की मर्जी है जी।